किसी बेचारे नकल मिल दू बालों भी निकलिया धारा दो रहे यार क्या यार ऑसम प्लेस यार ब्रो सब ड्राइवर थे वहीं से है आप मतलब आपके आगे आगे भाई इसमें पनीर डाला है तीन बज चुके हैं और अब तक नींद नहीं आई है कसम से आप यहाँ पे होते ना तो दूध अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कितने खराब रोड हैं। अभी हमें बहुत दूर जाना है और बारिश का माहौल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जाना उपर जी नहीं थोड़ा जाना बीच रहना मतलब घंटे बेचारे नकल मिल दू बालो भी निकलिया धारा दो रहे या दे रहे हो कुछ नहीं टेंट है बालू खाते वाओ गाइस क्या नजारे यार यहाँ के क्या यार ऑसम प्लेस यार ब्रो एक तो मानसून का मौसम ऊपर से बारिश हो रही है और रोड आप देख सकते हो ऐसे ऐसे रोडों से जा रहे हैं बस लोकेशन का मजा लो तो बाइक का टायर मोटा स्किट हो रहा है यार मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा फिसलन कर रही है और बारिश भी हो रही है आज का मौसम बड़ा बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रानू आपने गाड़ी कैसे ले आई वहाँ से हम इसके माहिर है ना और सब ड्राइवर थे वहीं से ही है आप मतलब आपके आगे आगे अच्छा 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 ये लोकेशन ठीक है ना यहाँ पे मैंने पहले भी लगाया टेंडर में एक बार अच्छा अच्छा सारा कुछ नहीं वही रहा आप कहाँ लगा रहे हैं हम लोकेशन देख रहे हैं ना यहाँ पे दो बंदे हम तो दो चार हमें बस आप कहाँ से हो बल से मैं धर्मपुर से हूँ अच्छा आप थोड़ा दूर से हो आप अच्छा आप हम तो यहीं पे तुन्ना जहाँ जात से वहीं पे जहाँ पे नीचे मिले थे अच्छा, वहाँ पे आसपास अच्छा, अच्छा, हम आए एक्चुअली ऊपर सफाई चल रही ना वो उसकी जो झीली है वो नीचे बनी हुई उसकी साफ सफाई करने का ये मेरा चार साल बाद उसकी सफाई हो रही है ना कब कल कल हो रही है यहाँ से आगे कोई नहीं गए भाई देखो हम निकालेंगे ज़रूर निकालेंगे टाइम लगेगा पर निकालेंगे निकाल दी भाई खतरों के खिलाड़ी है खतरों की फाइनली हम लोकेशन पे पहुँच गए अपनी तो ये देखो यार इस लोकेशन अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है अभी ना हम टेंट लगाने वाले हैं यहाँ पे थोड़ी सी ऊबर खाबर सी जगह यार यहीं पे लगाना पड़ेगा और कहीं है अच्छी पॉइंट भी है कहीं पे बट इतने भी नहीं है थोड़ा टॉप पे है ना यहाँ पे तो अच्छा है तो अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो जल्दी से जल्दी हम टेंट लगाने जा रहे हैं सबसे पहले तो टेंट लगा देते हैं भाई उसके बाद सारे काम और यहाँ पे ना पानी की आवाज़ आ रही है तो पानी की आवाज़ सुनते सुनते हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं
और ये देखो गाइस पानी हमें मिला, पर ये बड़े प्यार से भरना पड़ेगा इसको। तन्हाई के आलम मैं घर से निकल आया, नाक भी ले आया, मौका है नमक डाल लेने दो, नमक डाल लेने दो। एक साइड रुको, सारा सामान यहाँ पे खोल खोल के यहाँ पे तैयार रख दिया है। तो अभी हम सबसे पहले तो बनाने जा रहे हैं भैया कॉफ़ी, लेकिन किसी धीमी धीमी सी बारिश हो रही है बाहर, अभी थोड़ी कम हो चुकी है और पहले तो ज़्यादा थी। आप साउंड सुन सकते हो, तो ये फूल है ना जब ओवर गैस होती है तो ऐसा होता है। कॉफी का मजा लेंगे हम पहाड़ों में। तो ये देखिए गैस, इसमें ना पाउडर दूध था, जो पाउडर दूध मिल्क मिलता है पाउडर फॉर्म में होता है, तो मैंने ना काफी दिनों से इसको ऐसा ही रखा था। तो ये आप देख सकते हो, देखो पाउडर दूध में, देखो यार मतलब मैं खुद हैरान हूँ ना, आज पहली बार मैंने ये देखा। तो कीड़े देखो इसके अंदर कितने छोटे छोटे से कीड़े घूम रहे हैं इसके अंदर, वाइट वाइट से। कोई तीन दिन मैंने ऐसे ही रखा था इसमें, थोड़ा सा पाउडर दूध था इसमें बचा हुआ नीचे और पानी था उसमें। और ये देखो यार, मतलब यार इसलिए मैंने ना घर से ही लाया दूध, जैसे कि आप देख रहे हो। तो गैस हमारी कॉफ़ी तैयार है और ब्रेड के साथ। तो यार ग्लास हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, मतलब ना कैंपिंग में सामान कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, मतलब ना ग्लास आज भूल गया तो इसके अंदर खीर हैं। तो हमारे साथ मैंने परिचय नहीं कराया, ये हैं, इन्होंने पिछली वीडियो में मेरे कमेंट करा था तो इनके साथ कांटेक्ट हुआ मेरा और अभी मेरे साथ कैंपिंग करने आए हैं। तो अगर आप भी कैंपिंग करना चाहते हो मेरे साथ तो वीडियो के कॉमेंट करना यस, तो फिर मैं वहाँ से किसी ना किसी को सिलेक्ट करूँगा, हो सकता है आपका नंबर भी आए। तो अभी हम सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यार ना इनको धो लेते हैं यार ना प्यार से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्प्रे स्प्रे करी होती है लोगों ने, तो उसको सबसे पहले सब्जियों को धोना ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, कुछ आज स्पेशल डिश बनाएंगे हम, देख लेना आप क्या बनाते हैं हम। पानी भी खुला है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। भाई और बेइज्जती नहीं करना, बढ़िया है इसको ग्राइंड करेंगे बाद में भी, कोई चक्कर नहीं, बड़े बड़े रख दे चाहिए इसको, सीर तोड़ दे पहले। आह वाह क्या बात है, अरे कुछ चीज़ मतलब। तो गाइस हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं, इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीस करेंगे हम, फिर इसके लड्डू बनाएंगे हम ना अच्छे से। अब देखते जाओ क्या बनता है यार, बार कुछ वही हो रहा है। आठ सुनाई दीजिए मेरे, आजा आजा अंदर आजा आजा आजा, खाना खा ले बन रहा है अभी, बारी बैठ भी लाल। क्या भाई डर गया, चेक करो गाइस। वाओ तो चटनी बनी गई, ये हो गया पीस भाई इसके छोटे छोटे से। ऐसे हम सारी इन सब चीज़ों को पीस पीस करेंगे सबसे पहले। वो वाओ क्या सही कटता है यार इससे, कसम से
चेक करो गाइस, चेक करो, चेक करो गाइस, इसको मिक्स करेंगे सब सारी चीजों को। वाओ वाओ यार क्या मजा आ रहा है, देखने में बड़ा सही रह रहा भाई। बस इसमें नमक डाले नमक डाल और खा ले चाट बना के खा लो भाई भाई साहब कितना टाइम हो गया। चल भाई अब देखो क्या हो गया, 9:30 बज चुके हैं गाइस, 8:30 बजे से हम लगे हुए हैं अभी ना, अब इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो पनीर सोना नहीं है, जागते रहो। एक दो काफी है, क्यों काफी ठीक है ना, ठीक है बढ़िया है, कम तो नहीं है, कम नहीं है, ठीक है। धनिया धनिया पाउडर डाल रहे हैं इसमें, हरा धनिया भी है, धनिया सब कुछ मिलेगा, हरा धनिया लास्ट में डाल। और क्या डाले इसमें भाई, अब तो बतेरा हो गया, बाद में डालते हैं अब तड़के में, क्यों बतेरा हो गया अब डालते हैं उसको इसमें काफी हो गए थोड़ा सा रजनीकांत सर मिक्स हो गए, बेसन डाल रहे हैं इसमें क्योंकि हम लड्डू बनाएंगे ना, इसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट चाहिए हमको। एक्चुअली इसमें ना मैदा अच्छा लगता है, मैदा हमें मिला नहीं ना, तो हम ना बेसन से ही कचा रहे काम, और लगेगा इसमें यार हमें ख्याल से, तो और लगेगा इसमें बोतल का ले पानी नहीं इसमें, वो तो बॉईल किया हमने, हल्का सा हल्का लगा लियो, बस बस बहुत 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 अरे गैस लीक हो रही है, तेल गर्म हो चुका है हमारा, अभी हम इसके लड्डू बनाएंगे छोटे छोटे से। टमाटर पड़े हुए तड़का देंगे ना इसमें, घर पे काम नहीं करा आज, करना पड़ रहा है और कर भी देखो किस तरीके से रहे खतरनाक भाई, ये देखो डिश क्या खतरनाक बना रहे हैं, घर पे कभी बनाई नहीं, घर वालों ने तो खाई भी नहीं होगी ऐसी डिश। ये देखो गाइस कलर देखो यार, मतलब खाने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा, पिक पिक ब्राउन ब्राउन है। एक्स्ट्रा ही बन गया भाई, इसमें पनीर डाला है और गोभी है, बंद गोभी और गाजर है और शिमला मिर्च है, 5 चीज़ें होंगी इसमें। करो चेक यार इसको कैसे बना हुआ है, पनीर की देखो वाह एक नंबर भाई, एक नंबर कसम से डाबा पाई लिए, मैं सोच ही रहा हूँ पाई डाबा पकड़ो
गैस खतरनाक ही रेसिपी बन रही है यार। मतलब इसको ना जिंदगी में ट्राई करना एक बार जरूर कभी ना कभी। हमने अभी अभी खाया ना, मतलब क्या ही स्वाद है यार। मतलब ना याद रहे पनीर डालना जरूरी है इसमें ना, पनीर का जो स्वाद आता है वो खतरनाक ही आता है यार कसम से। तो ये देखो गाइस, बंदे ने कभी रोटी नहीं बनाई ना, उसे आज रोटी बनानी पड़ी। मैं बस दो चार दिन आ जा तो सात बंदा बन जाएगा तू। ढाबा खोल लेना भाई। वाह वाह वाह, क्या बना रहा यार, पहली बार मुझ रहा आटा बंदा। रात के 12 बज चुके हैं, हम रोटी बना रहे अभी तक। टाइम कितना हुआ? 2 बजे खाएंगे हम। 10:11 हो चुके हैं गाइस। हमको कितना घंटा लग गया इसको बनाने के लिए? यूं बोल सकते 2 घंटे। 8 बजे से हम लगे हुए हैं स्टार्ट, तो 10 बज चुके हैं, तो 2 घंटे हमको लग गए हैं बनाने के लिए। और अभी भी नहीं बना है, अभी तुड़का शेष है। ये देखो गैस यार, मतलब ऑसम। इनको ना मतलब आप ऐसे भी खाओगे ना, मतलब बिना तड़के से ना, तो यार मतलब हर कुछ स्वाद है इसका कसम से भाई। अभी हम इसमें तड़का लगाएंगे, खतरनाक सी ग्रेवी बनाएंगे इसमें, और सब्जी बनाएंगे हम इसकी ना, धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसको लाल कलर होने देते हैं, हो गया। और इसमें प्याज और एक बार डाल दूंगा थोड़ा, उसको भी उठाएंगे यहीं पर। बोला आ जाए यार खाना खा ले साथ में, ठीक है जी। यहाँ पे बालू का खतरा है यार, काफ़ी खतरा है यार बालू का। हम आ रहे थे तो रास्ते में आपने देखा ही होगा, एक लेडीज मिली थी, तो उन्होंने हमको कहा कि कहाँ जा रहे हो गए बालू के पास। देख लो आटा, तो आटा वो गूंदन देख लो भाई। हाँ भाई ये तो बात है, काम तो करने पड़ेंगे भाई, बाकी सब कुछ मिलेगा। बिकॉज वीडियो में यस कर देना जो आना चाहते हैं मेरे साथ कैंपिंग करने। अभी डाल फुल जा सिम सिम, फुल जा थल रे थल। ये देखो साइड क्या फुल रही है, जहाँ जहाँ से आग लग रही है इस पर। सेंटर ओके, नेक्स्ट टेंट हमारा। अभी हमने सब्जी सूजी बना के ना रेडी रख दी है, चपाती है चबूतियाँ, तो अभी हम बाहर निकले हुए हैं थोड़ी सी हवा लेने। शाही पकौड़ा, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। ये कढ़ाई की काम सोच वाह।
11:30 हो चुके हैं, इस रात के 12 बज चुके हैं और अब बहुत प्यारी नींद आने वाली है। बहुत थक गए हम तो, अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग ऑलमोस्ट सो ही चुके हैं हम। बाय बाय, गुड नाइट। सुबह हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, देखते हैं सुबह क्या क्या होता है। हवाएं चल रही है खतरनाक है। तीन बज चुके हैं और अब तक नींद नहीं आई है। बहुत तेज हवा चल रही है बाहर यार, बहुत तेज हवा चल रही है। तीन बजकर 18 मिनट हो चुके हैं और ये देखो यार, मतलब कितना हिल रहा है ये टेंट। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है गाइस यहाँ पे। अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है, नहीं तो यार बहुत ज़्यादा हिल रहा था ये टेंट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग देखो यार, यहाँ पे कितनी प्यारी लग रही है यार, मतलब ओ भाई ऑसम ब्रो। बादल देखो यार, बादल देखो और नीचे देखो बादल, पूरा नीचे ना बादल से भर चुका है भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई भाई भाई, वू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, रात बहुत हसीन गुजरी जा रही है। रात बहुत हसीन गुजरी, गाइस सबसे पहले तो मॉर्निंग में हम टी बना रहे हैं। सबसे पहला काम तो भाई टी का होता ही हमारा। चाय बनने जा रही है अभी, इसमें सब कुछ डाल दिया हमने अभी, चाय पत्ती चीनी और इलायची। अब बस डालना पड़ा है इसमें दूध, व्यू चेक करो अब दो। चेक गाइस चेक, हो ऑसम यार ऑसम।
क्या मौसम है यार, मतलब स्पीचलेस हूँ मैं यार कसम से। मैंने सोचा तक नहीं था अभी सुबह ऐसा मौसम हो सकता है। खुद देखो यार, मतलब कसम से आप यहाँ पे होते ना तो चेहरा खिला रहता आपका। चारों तरफ बादल ही बादल, नीचे बादल, ऊपर बादल, दाएं बादल, बाएं बादल। और चाय सुबह की। तो यार जैसे कि आप अभी देख ही रहे हो, बाहर ना बारिश का माहौल बन चुका है। तो ये है यहाँ की यार खासियत, यहाँ पे ना 5 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। अभी अभी धूप खिली हुई थी जैसे कि आपने अभी देखा था पहले, और अभी अभी देख लो अब बारिश हो रही है धीमी धीमी से। और मैं ना यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ बना रहा हूँ। मैंने इसमें हल्का सा दूध डाला हुआ है और ब्रेड। इसमें ना हम हल्का हल्का सा दूध डालते रहेंगे इसके ऊपर। एक और ब्रेड इसमें भी दूध डालेंगे। एक और ब्रेड डालेंगे इसके ऊपर। शहद डालेंगे स्वाद के लिए, थोड़ा सा मीठा हो जाए। तो ये देखो दोस्तों, हमारा केक तैयार है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, और अभी हम इसको खाएंगे। अभी वो बाहर गया थोड़ा इस साइड में घूमने फिरने के लिए, उसको आने देते हैं, उसके बाद खाएंगे इसको मिलके। ये देखो गाइस, बाहर बारिश अभी अभी हो रही थी और अभी अभी ख़त्म हो चुकी है। 5 मिनट में बारिश स्टार्ट और 5 मिनट में बारिश ख़त्म। अभी अभी हो सकता है यहाँ पे धूप खिल जाए। ये है नज़ारे यार, आप खुद देखो, चेक करो यार कितनी प्यारी सी लोकेशन है, हमने यहाँ पे कैंपिंग लगा रखी है। परफेक्ट गाइस। हमारे दूसरे भाई साहब देखो कहाँ बैठे हुए हैं, रेनकोट लेके ना वो उधर जाके बैठे हुए हैं, बारिश का मज़ा ले रहे हैं भाई। यहाँ पर मैंने खाना बना रखा है, ये ठंडा हो जाएगा, मैं सीटियाँ मार रहा, बाहर से आ जाए भाई खाने। और ये देखो गाइस, जैसे कि मैं बता ही रहा था आपको ना, आसमान साफ हो रहा है धीरे धीरे से। अभी भी बारिश चली हुई है यहाँ पे और आसमान यहाँ पे साफ़ हो चुका है, और अभी भी हो सकता है कि सारा आसमान साफ हो जाए 5 मिनट में मौसम चेंज। ये है हिमाचल का वेदर गाइस। अगर आप हिमाचली हो तो यार प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और ऐसे नए नए कैंपिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और प्यार देना यार अपने छोटे भाई को, और सपोर्ट करो यार,
और हो सके तो आप भी मेरे साथ कैंपिंग का हो सके तो आप भी मेरे साथ कैंपिंग कर सकते हो, आप भी मेरे साथ आप भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे, बस कमेंट में आप यस कर देना और उसके बाद मैं हो सकता है आपका नंबर भी पड़े कि मैं आपको कैंपिंग में ले आ सकूं। शाम भी खूब है, पास महबूब है। इधर से नीचे को गया तो अभी अभी बादल थे और अभी अभी देख लो धूप खिली हुई है, मौसम बोले तो तौबा तौबा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। वाह यार, मतलब अजब प्रेम की गजब कहानी, क्या मतलब कितनी प्यारी लोकेशन में पहुंच गए हैं गाइस हम। यहाँ पे कुछ भाई लोग आए हैं, इतना पार टेंट के पास फोटोज ले रहे थे, मिलते हैं इनसे भी। वाह क्या मौसम है यार, नेचर सांस बाहर, थोड़ा सा और लंबा ले, और लंबा ले, आप तो बहुत ज्यादा लेते हैं। तो गाइस ये थी हमारी कैंपिंग, और आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो इसलिए यार लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना वीडियो को। और अभी ना मौसम चेंज होने वाला है और फिर से अभी बारिश आने वाली है, तो ना हम सामान सामान जल्दी से पैक वूक करके रवाना होंगे ऊपर कमुना की तरफ। तो ये आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो इसका पार्ट टू आने वाला है। और हम ना ऊपर जो सफाई करने वाले हैं कमुना, उसके जो बोलते हैं जो झील है उसकी सफाई करने वाले हैं, वो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल टेंट वेंट कर लेते हैं पैक यार, बारिश भी आने वाली है और कैंपिंग करेंगे हम कमुनाग में ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू एंड थैंक फॉर सपोर्ट, बाय बाय।